Hey guys, how are you all? मैं हूँ हिमांशी भाटिया from E विद्यार्थी और अब हम बात करने वाले हैं question number 14 आपके miscellaneous exercise का. Find the absolute maximum and minimum values of the function cos square x plus sin x where x belongs to 0 to pi closed interval. तो question देखते ही बिल्कुल blindly मत करने लग जाना exam में थोड़ा सा सोचना कि कैसे होगा कौन सा test लगेगा. यहाँ पे हमें दो बातें ध्यान में रखनी है. पहला एब्सोल्यूट की बात है, लोकल की बात नहीं है, मतलब पूरी डोमेन में. दूसरी बात क्लोज्ड इंटरवल है. जब ऐसा होता है तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट सबकी लिस्ट बनानी है और सिर्फ एक काम करना है, फंक्शन के अंदर उठा के उसको रख दो. जो मैक्सिमम आए वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो मिनिमम आए वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ जाएगी. वही काम हमें करना है. डेरिवेटिव तो करना ही होता है. देखो हर टाइप के क्वेश्चन में इस चैप्टर में. तो हमने सबसे पहले एफ डैश निकाला. कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव है 2 कॉस एक्स और साथ में कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया कॉस एक्स. अब इसके अंदर कॉस कॉमन आ रहा था तो मैंने कॉमन ले लिया. क्या बचा? माइनस 2 साइन एक्स प्लस में 1. क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें एफ डैश एक्स को जीरो रखना था तो रख दिया. तो ये एफ डैश एक्स जीरो यानी कि ये जीरो. अब दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है यानी कि एक बार इसको जीरो रखो एक बार इसको जीरो रखो. जब माइनस टू साइन एक्स प्लस वन को जीरो रखोगे तो साइन एक्स कितना आएगा? देखो 2 साइन एक्स इक्वल टू 1 यानी कि साइन एक्स इक्वल टू 1/2. ठीक है. एंड कॉस एक्स इक्वल टू 0. समझे बात? अब साइन जो है 1/2 कहाँ पे होता है? मुझे याद है 30 डिग्री पे होता है. मुझे ऐसे याद है कि cos 61/2 और sin 31/2. sin 31/2 यानी कि sin 5/6 1/2. तो x कितना हो गया? 5/6. ठीक है. अब ऐसे तो आप कहोगे कि बहुत जगह होता है भैया 1/2, तो इसमें 2 पाई ऐड करते जाओ करते जाओ. लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इस डोमेन में चेक करना है. जीरो और पाई के बीच में सिर्फ एक यही वैल्यू आती है जिसमें साइन 1/2 होता है. अगर नहीं भरोसा तो ग्राफ देख लो साइन एक्स का कैसे बनता है. कैसे बनता है ग्राफ? ठीक है ना, ये जीरो है और ये पाई है. तो ये पाई बाय टू है और ये जीरो है. जीरो पाई बाय टू पाई. साइन का ग्राफ ऐसे जाता है तो 1/2 जो वैल्यू है वो कहाँ पे आती है? अरे दो जगह पे आती है. क्या साइन का ग्राफ बनाते हैं? ये बन गया पाई बाय टू, ये बन गया पाई और ये बन गया जीरो. नहीं, एक जगह नहीं आती. जीरो से पाई बाय टू में एक जगह आती है, फिर पाई बाय टू से पाई में भी एक जगह आती है. वैल्यू 1/2. ये हमारा 1 है और ये 1/2 है. ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे ये है पाई बाय 6 और ये क्या है? ये है आपका पाई माइनस पाई बाय 6. ठीक है. पाई माइनस पाई बाय 6 कितना होता है? 5 पाई बाय 6. इसकी भी वैल्यू हमारी 1/2 होगी. ठीक है. अगर आप कहोगे यार मैम हमें तो ग्राफ बनाना ही नहीं आता, हम कैसे पता लगाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है. आप इस तरीके से भी कर सकते हो. देखो कैसे करोगे. आफ्टर स्कूल 2 सिनेमा या फिर एड शुगर 2 कॉफी. याद है हमने 11th क्लास में ये चीज पढ़ी है, आपने पढ़ी होगी कि AST से हमें पता चलता है कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन कहाँ पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव है. तो साइन जो है ऑल ए तो मतलब ऑल, यहाँ पे सारे पॉजिटिव और एस माने साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक. तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं तो साइन भी पॉजिटिव है. और साइन की वैल्यू अगर आपको 1/2 चाहिए तो एक तो यहाँ पे आएगी ही आएगी, एक हमारी आएगी सेकेंड क्वाड्रेंट में. और सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम पाई माइनस थीटा करते हैं यानी कि पाई माइनस 5/6. तो मुझे मिल गया 5 पाई बाय 6. दो वैल्यूज आ गई. फिर भाई कॉस जीरो कब होता है? सिर्फ जीरो से पाई में देखना है तो भाई यहाँ पे कॉस का भी तुम्हें ग्राफ अगर बना के दिखाऊं तो कैसे निकल जाता है. ये है पाई, ये है पाई बाय 2 और ये है 0. तो cos 0 एक जगह पे होता है 90 पे. ठीक है. cos 90 इज 0. यहाँ पे आप लिख देंगे भाई 90 माने पाई बाय 2. तो तीन हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए. अब हमें एंड पॉइंट्स भी देखने हैं. एंड पॉइंट्स है 0 एंड पाई. तो हमारे पास तीन और जो 5 पॉइंट्स है जिनकी वैल्यू हमें f पे चेक करनी है. तो f ऑफ 0
f of 5 by 6, f of 5 pi by 6, f of pi by 2 and f of pi हमें देखना है और इन सारी values को निकालने के बाद हम ये बात conclude करेंगे कि कहाँ पे हमें maximum और कहाँ पे हमें minimum value मिल रही है. तो put करते हैं f of x है cos square x plus sin x. तो f of 0 क्या हो जाएगा, cos square 0 plus sin 0. ठीक है, फिर cos square pi by 6 plus sin pi by 6, फिर cos square 5 pi by 6 plus sin 5 pi by 6, फिर आगे भी आपका cos square pi by 2 और साथ में sin pi by 2. एक काम करो, तुम फटाफट इन सारी वैल्यूज को निकालने की कोशिश करो. cos of pi, cos square pi और sin pi. ठीक है, जो जो याद है मतलब लिख ही देते हैं. cos 0 1 होता है, sin 0 0 करो, 1 आ गया. अभी हमने देखा कि sin pi by 6 है 1 by 2, sin pi by 6 1 by 2 है ना. अब cos pi by 6 अब देखोगे, cos pi by 6 यानी कि cos 30, cos 30 होता है root 3 by 2, root 3 by 2 का स्क्वायर होता है 3 by 4, so 3 by 4 and plus में ये क्या था 1 by 2, तो ये हो गया आपका 2 by 4 यानी 5 by 4, 5 by 4 आ गया. ठीक है, अब इस पे देखेंगे sin 5 pi by 6 भी अभी हमने बात की, 1 by 2 होता है यहाँ पे है ना, तो ये तो 1 by 2 ही आ रहा है. cos square 5 pi by 6 कैसे find करेंगे भाई, cos 5 pi by 6 अगर आपको निकालना हो मतलब आप cos of pi minus pi by 6 निकाल दो ये. ठीक है, यानी कि cos of pi minus theta, cos pi minus theta यानी कि pi minus theta मतलब second quadrant, second quadrant में cos negative होता है यानी कि minus cos theta के बराबर है, यानी कि ये क्या है minus cos pi by 6, और cos pi by 6 होता है आपका root 3 by 2 है ना. हाँ, root 3 by 2, तो minus root 3 by 2 आ चुका है, लेकिन हमें तो cos square करना था तो इसका भी square हो गया यानी कि 3 by 4. तो ये है 3 by 4, ये दोनों सेम आ गए, ये 3 by 4 और ये 1 by 2. अभी ऊपर वाले में भी यही काम किया था तो 5 by 4 आंसर आ जाता है ना. आप अगर चाहें तो ये चीज याद रख सकते हैं, यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि cos of pi minus theta is equal to minus cos theta. ठीक है, चलो अब cos 90 0, sin 90 1, फिर cos pi, ये ना देखो pi, ये cos का ग्राफ है, cos pi minus 1 होता है, तो minus 1 का square यानी 1 और sin pi 0 होता है, ये ना, ये आ गया 1. अब इनमें maximum और minimum check कर लो, ये हटा रही हूँ ग्राफ, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए मैंने बनाया था, ये भी हटा रही हूँ. ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि maximum कहाँ पे मिल रही है और minimum कहाँ पे मिल रही है. 1 और 1 और 1, तीन जगह हमें 1 मिल गया, दो जगह हमें 5 by 4 मिल गया. 5 by 4 और 1 में कौन बड़ा होता है, न्यूमरेटर बड़ा है ना डिनोमिनेटर से, इसका मतलब ये बड़ा हो गया. तो मिनिमम वैल्यू हमें 1 मिल गई है और मैक्सिमम वैल्यू हमें 5 by 4 मिल गई है. ठीक है, कहाँ पे मिली है, इन सभी पॉइंट्स पर अलग अलग, लेकिन उसने क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा कहाँ पे मिली, ये पूछे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम है क्या और मिनिमम है क्या एफ का फंक्शन का. अब बोलेंगे सो absolute maximum value is 5 by 4, और ये कहाँ कहाँ पे है, दो जगह पे, 5 by 6 and 5 by 6, and absolute minimum क्या मिली, absolute minimum 1. So that's it, easy question था, छोटा सा question था. इसके और भी तरीके होते हैं करने के, पर ये सबसे छोटा मेथड था. और जो तरीका बता देते हो अगर इंटरेस्टेड हो कर लेना, दूसरे मेथड से मुझे पता है तुम इंटरेस्टेड नहीं होगे, बट फिर भी बता दो. ये जो फंक्शन है इसको अगर हम cos square की जगह पे 1 minus sin square लिख दें तो पूरा फंक्शन साइन में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद वहां से कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा करके हम निकाल सकते हैं इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. बट आई थिंक दिस वन इज क्वाइट इजी, सो
आई होप यू अंडरस्टूड, मुझे समझ में आ गया तो लाइक कर दो कि मुझे समझ में आ जाएगी तुम्हें समझ में आ गया. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई सी यू नेक्स्ट टाइम. सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. कीप स्माइलिंग. गुड बाय.